नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बेसिकली ये वीडियो इस बारे में है कि आप कैमरा लेना चाहते हैं तो आप कैमरा कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए, कौन सा कैमरा आपको नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आपको बता दें कि हो सकता है आपका बजट 20,000 से अंदर हो, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं इंडिया में उनका बजट 20,000 से नीचे ही होता है। अब कुछ जो मतलब जो जिनकी सैलरी अच्छी खासी है वो लोग जाते हैं 20,000 से ऊपर, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है जो 20,000 के नीचे ही अच्छा कैमरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सुझाव जो मेरा ये है कि आप कैमरा न लें, क्योंकि कैमरा से बेहतर आप फ़ोन ले लें। 20,000 के अंदर में आप या तो रेडमी नोट 7 प्रो ले लें या रियलमी 3 प्रो ले लें। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैं बहुत दिनों से कैमरा लेने की कोशिश कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे कैमरा मैंने कैनन के सारे कैमराज देख रखे हैं, ऑलमोस्ट उसके वेबसाइट पे जितने सारे कैमराज हैं और पूरा का पूरा कैमरा, सभी का मॉडल नंबर तो याद नहीं है लेकिन सभी कैमरा मैंने देख रखे हैं। निकॉन का सारा कैमरा देख रखा है और शुरुआत मैंने सोनी से किया था, तो सोनी का सारा कैमरा जानता हूँ कि कौन सा कैमरा कैसा जो है मतलब परफॉर्म करता है, कैसा उसका कंडीशन है, कैसा वो परफॉर्म करता है। तो इसके अनुसार मेरा यही जो है सो निष्कर्ष निकला कि आप वीडियो आपको मिलेगा YouTube पे बहुत सारा कि DSLR जो 50,000 है, 60,000 का है, उसको Redmi Note 7 Pro टक्कर दे रहा है, फोटोज़ में हो या फिर वीडियोज़ में हो, दोनों तरीके से टक्कर दे रहा है। और एक बात और, DSLR जो होता है जनरली जो है सो कम रिजोल्यूशन का वीडियो, जनरली जो ज़्यादा DSLR होते हैं खासकर सस्ते DSLR जो है सो कम रिजोल्यूशन का जो है सो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। 720p हो गया ज़्यादा हो गया तो 1080p हो गया, बहुत कम ऐसे जो DSLR कैमरा है जो 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कैमरा 80,000 से के आसपास पहुंच जाता है 4K वाला। ठीक है, आपका उतना बजट है नहीं, आपका बजट है 20,000 से कम, इसीलिए मेरा पहला सुझाव है कि 20,000 से कम अगर आपका बजट है तो आप कोई भी कैमरा ना ले, आप ले ले एक फ़ोन जो कि Redmi Note 7 Pro या Realme 3 Pro है। उसमें आपको स्लो मो भी मिल जाएगा जो कि आपको डिजिटल कैमरा, डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमरा या DSLR से वगैरह में नहीं मिलेगा, जो शुरुआत के DSLR होते हैं वो तो उसमें भी नहीं मिलेगा। तो शुरुआत के DSLR और कॉम्पैक्ट कैमरा में कॉम्पैक्ट कैमरा ज़्यादा बढ़िया होता है, DSLR उतना बढ़िया नहीं होता है, कम रेंज में शुरुआत की बात कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि मैंने दोनों का कंपेयर किया है, जनरली जो है सो क्या कहते हैं मेगापिक्सल्स काउंट भी जो होता है DSLR में कम होता है और कॉम्पैक्ट कैमरा में ज़्यादा होता है, अगर एक ही रेंज का बात करें, सेम पैसे का अगर बात करें तो। और दूसरा कॉम्पैक्ट कैमरा में और ये खासियत होता है कि मतलब रिकॉर्डिंग का जो है सो रिजोल्यूशन कॉम्पैक्ट कैमरा में ज़्यादा जो होता है, ठीक है, और DSLRs में जो होता है मतलब रिजोल्यूशन जनरली कम ही होता है, ठीक है। तो ये बात सुझाता हूँ, तो आपका अगर 20,000 से बजट कम है तो आप फ़ोन ले ले, बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ज़िद्दी है कि मतलब नहीं भाई हमको एक अच्छा कैमरा ही लेना है 20,000 के अंदर में, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है आप निकॉन का कैमरा लें, निकॉन का कॉम्पैक्ट कैमरा लें, बेस्ट रहेगा आपके साथ, आपके लिए। DSLR ना ले, वीडियो की बात कर रहे हैं हम, फ़ोटो की नहीं, फ़ोटो की अलग छोड़ दीजिए, हम वीडियोस की बात कर रहे हैं। निकॉन का DS कॉम्पैक्ट कैमरा ले लें, निकॉन की वेबसाइट पे जाइएगा तो 8 कैमरा आपको जो है सो अभी शो करेगा टॉप पे कॉम्पैक्ट कैमरा में, उसमें एक कैमरा 22,000 के आसपास, 21 की 22,000 है, वो कैमरा बेस्ट है क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, 4K तक रिकॉर्ड करता है। उससे ज़्यादा अगर आपका बजट है क्या कहते हैं थोड़ा सा, तो निकॉन की जगह कैनन का ले लें। उससे और ज़्यादा बजट है तो आप सबसे बढ़िया सोनी का ले लें। देखिए सोनी और निकॉन और कैनन तीनों सेम परफॉर्मेंस देगा, लेकिन प्राइस सेम परफॉर्मेंस में सोनी का सबसे ज़्यादा होगा, निकॉन का सॉरी कैनन का उससे कम होगा। निकॉन सबसे कम प्राइस में सबसे बढ़िया क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, इसमें मैंने इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने उसके कॉम्पैक्ट कैमरा को देख रखा है। तो बेसिकली और हाँ बात अब DSLR से करते हैं, तो DSLR में निकॉन के पास उसके वेबसाइट पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम वो कैमराज की बात नहीं कर रहे हैं जो पुराना हो गया, पुराना कैमराज ऑब्वियसली जो है सो घटिया क्वालिटी देगा मुकाबले में जिसके मतलब नए कैमरा के, इसलिए हम पुराने कैमरेज को हटा के चल रहे हैं, ठीक है। नया कैमरा जो कि वेबसाइट पे फाउंड किया जाता है,
जो नया कैमरा होता है वो वेबसाइट पे होता है, और क्या कहते हैं जो पुराना कैमरा हो जाता है कुछ साल 4 साल 5 साल पुराना हो जाता है उसको जो है सो कंपनी आर्काइव में डाल देता है, ठीक है, वेबसाइट पे ही आर्काइव में डाल देता है, आर्काइव लिस्ट, आप पुराना कैमरा देख सकते हैं। तो जनरली फ्लिपकार्ट से अमेजोन सब पे आप देखने जाइएगा कैमरा, तो उसमें सब मिक्स होता है, पुराना नया सब कैमरा मिक्स होता है, ठीक है। इसलिए बेस्ट आपके लिए यही होगा कि उसके वेबसाइट पे जाकर देखें कि उसका आप नया कौन सा कैमरा है, या जो जितना लिस्ट होगा वो सब कैमरा आप खरीदने लायक होगा उस लिस्ट में से, उसके जो वेबसाइट है। आप DSLR की बात करते हैं तो 50,000-60,000 से कम में जो है सो निकॉन का DSLR है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, नया DSLR जो है 50,000 के अंदर में मतलब नहीं है। कैनन का है 30,000 के अंदर में नहीं है, और सोनी का है 20,000 के या 14,000 के आसपास भी जो है सो DSLR है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर आपको वीडियो के लिए चाहिए कैमरा तो DSLR ना ले, कॉम्पैक्ट कैमरा ले, जूम उसमें ज़्यादा नहीं होगा DSLR के मुकाबले, लेकिन वो वीडियो बेहतर देगा, 1080p या 4K देगा। और अगर आप 6-7 हज़ार का कॉम्पैक्ट कैमरा ले रहे हैं तो 720p देगा ऑब्वियसली। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कैमरा लेना है, अगर कैमरा लेने की जिद है तो आप तीनों निकॉन, कैनन और क्या बोलते हैं सोनी, इस तीनों वेबसाइट पर जाइए। मैंने और भी कंपनी को कंसीडर इसमें इसलिए नहीं किया है, मतलब और भी बहुत सारी कंपनीज हैं भाई, तो उन सबको कंसीडर इसलिए नहीं किया है क्योंकि जनरली निकॉन, कैनन और सोनी पे जो है सो आदमी का ट्रस्ट बना होता है कि हाँ उनका कैमरा बेहतर ही होगा, इसीलिए मैंने तीन ही कंपनी का लिया है। बाकी कंपनीज का भी है, कैमरा एवरेज है, उसी के आसपास है, तो उसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको हटा के ही चलिए। तो बेहतर यही होगा कि तीन ही कंपनी लें, निकॉन, कैनन और सोनी, ठीक है। इसमें आपको सबसे सस्ता में सबसे बढ़िया कैमरा चाहिए तो निकॉन का ऑब्वियसली, उसके बाद कैनन का, और सबसे अंत में सोनी का। आपको ये बात पता होगा कि सोनी का लेंस बहुत ही महंगा होता है, इसी वजह से सोनी का कैमरा महंगा हो जाता है। आप क्या कहते हैं एक कॉम्पैक्ट कैमरा लीजिएगा सोनी का कितने में, 6-7 हज़ार में, ठीक है, और उसी का जो है सो क्या कहते हैं नहीं 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 मान लीजिए ना 12,000 की 14,000 में कॉम्पैक्ट कैमरा देता है सोनी का, जो कि 1080p रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसी को सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बस क्या बढ़ा दिया गया है, 10x जूम बढ़ा दिया गया है, तो उसको 4,000 में ज़्यादा में बेच रहा है, 19,000 के आसपास बेचा जा रहा है। मतलब सोनी का कैमरा इतना महंगा है, 10x जूम का आपका दाम 4,000 हो जाता है कॉम्पैक्ट कैमरा का, समझ गए। तो यही बात है और कुछ बात नहीं है। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपका बजट टाइट है, 20,000 के अंदर में है, तो आप रियलमी 3 प्रो ले या कैनन सॉरी रेडमी नोट 7 प्रो ले, ठीक है। इस दोनों के बारे में अगर बेहतर जानकारी चाहिए इस दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए तो आप यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं, और भी या तो हम सीधे सीधे बता देते हैं। रियलमी का फ्रंट कैमरा रेडमी नोट 7 से हर एक चीज़ में अच्छा है। रियलमी का फ्रंट कैमरा रेडमी नोट 7 प्रो से हर एक चीज़ में अच्छा है, चाहे वो डायनेमिक रेंज हो, स्टेबलाइजेशन तो है ही नहीं उसकी तो बात ही नहीं करना, या फिर कलर प्रोड्यूसिंग हो, मतलब उसमें जो है सो सैचुरेशन ज़्यादा होता है, पता होगा रियलमी में तो बेहतरीन जो है सो प्रोड्यूस करता है फोटो हो या वीडियो हो। अब बैक कैमरा की बात करते हैं, रियर कैमरा की, तो सोनी का आ गया, रियलमी और क्या कहते हैं रेडमी नोट 7 प्रो में दोनों का कैमरा लगभग सेम है, कुछ चीज़ में इसका अच्छा है तो कुछ चीज़ में इसका अच्छा। डायनेमिक रेंज में रियलमी 3 प्रो अच्छा है, और ज़्यादा एकदम डीप क्वालिटी प्रोड्यूस करने में क्या कहते हैं रेडमी नोट 7 प्रो ज़्यादा बढ़िया है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डायनेमिक रेंज अच्छा चाहिए या ज़्यादा एकदम साफ इमेज चाहिए, उतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है साफ इमेज में, मतलब ज़्यादा कहिएगा कि इसमें बहुत बढ़िया होगा ऐसा भी नहीं है, हल्का सा तो एकदम हल्का सा, तो वो आपको एकदम गौर से देखिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन डायनेमिक रेंज भी ऐसे ही थोड़ा सा ज़्यादा है रियलमी 3 प्रो का। अब बात कर लेते हैं इस दोनों के अलावा एक जो डिमेरिट है रियलमी नेट 7 प्रो में, वो ये है कि उसका जो जब आप 4K में रिकॉर्ड कीजिएगा तो आप लैग महसूस कीजिएगा उसके कैमरा में, ये भी एक बड़ा कंसीडर्ड पॉइंट, इसलिए हम जो है सो आपको सीधे रियलमी 3 प्रो जो है सो रेकमेंड कर देंगे, ठीक है, रियलमी 3 प्रो रेकमेंड कर देंगे सीधे सीधे, क्योंकि उसमें कभी कभी जो है सो लैग होते रहता है, फ्रेम ड्रॉप होता है उसका रेडमी नोट 7 प्रो का बहुत ज़्यादा।
यही वजह है कि रियलमी थ्री प्रो जो है सो रेडमी नोट 7 प्रो से, जबकि उसका कैमरा जो है सो मेगा पिक्सल काउंट कम है। ठीक है, अगर आप 48 मेगापिक्सल में अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो में फोटो क्लिक करेंगे और इसका भी मैक्सिमम करेंगे क्या कहते हैं रियलमी 3 प्रो का, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो का जो है सो कैमरा बेहतर है। तो कहें ना कुछ चीज़ों में इसका बेहतर है, कुछ चीज़ों में इसका बेहतर, ओवरऑल बात करें तो रियलमी 3 प्रो बाजार बढ़िया तो हो गया मोबाइल का। तो आप इसी दोनों फ़ोन में से आप कहिएगा भाई हम इससे कुछ ज़्यादा लगाएंगे, ओप्पो का ले लेंगे या वीवो का ले लेंगे या फिर सैमसंग का, भाई मेरे सबको टक्कर दे रहा है 14,000 में रियलमी 3 प्रो और रेडमी नोट 7 प्रो, मानिए ना या ना मानिए। आप अगर यकीन ना हो तो यूट्यूब वीडियो जितने भी बनाए हैं लोग उसको जाकर देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप 20,000 से कम का अगर आपका बजट टाइट है तो आप कैमरा ना लेके फ़ोन ही ले लें, क्योंकि फ़ोन जो क्या कहते हैं फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आते हैं उसका भी सेंसर साइज वही होता है लगभग, जो क्या कहते हैं जनरली 20,000 तक या 22,000 तक का जो होता है क्या बोलते हैं उसको कॉम्पैक्ट कैमरा का होता है। ठीक है, और DSLR से थोड़ा इमेज मतलब वीडियो थोड़ा क्वालिटी बढ़िया प्रोड्यूस करता है लेकिन उसका रिजोल्यूशन कम होने की वजह से जो है सो घटिया बन जाता है क्वालिटी, इसलिए हम बोलेंगे क्या कहते हैं फोन ले ले कैमरा के बजाय। अगर आपको जूम चाहिए, एकदम ज़बरदस्त जूम चाहिए, 10x चाहिए, 20x चाहिए, 30x चाहिए, 50x चाहिए, तो 40x से अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपको जूम की रिक्वायरमेंट है तो आप एक DSLR ले ले लो बजट वाला। ठीक है, सोनी का कोई DSLR, उसमें बढ़िया जूम रहता है, 30 से ऊपर ही रहता है 30x से। और अगर आपको कॉम्पैक्ट कैमरा में भी कुछ कैमरा, दो तरीके का कैमरा आ जाता है, एक कॉम्पैक्ट कैमरा होता है जो बहुत पतला होता है, ठीक है, और एक कैमरा होता है जो DSLR की तरह दिखता है लेकिन उसमें DSLR वाला बड़ा सा लेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जो DSLR की तरह दिखता है हल्का कॉम्पैक्ट कैमरा, वो कॉम्पैक्ट कैमरा जो होता है उसका जूम बहुत ज़्यादा होता है, 30x होता है, 40x होता है, 50x होता है उसका। तो अगर आपको जूम की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑब्वियसली डिजिटल कैमरा कॉम्पैक्ट कैमरा पे जा सकते हैं, DSLR को छोड़ दीजिए क्योंकि DSLR है वो पिक्चर के लिए बना है। ठीक है, वीडियो की बात कर रहे हैं यहाँ, और DSLR का मेगा पिक्सल काउंट भी कम होता है थोड़ा सा। तो बेसिकली हम यही रिकमेंड करेंगे कि आपको अगर जूम नहीं चाहिए और वीडियो और उसके अलावा सब चीज़ बढ़िया चाहिए तो आप Redmi Note 7 Pro या Realme 3 Pro में से कोई एक चूज कर दीजिए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर आपको जूम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार हमको जूम ही चाहिए, तो ऑब्वियसली आप जाइए किस साइड में, कॉम्पैक्ट कैमरा साइड में, उसमें आपको मिल जाएगा ज़्यादा जूम का। आप कहिएगा कि आपको वाटरप्रूफ चाहिए, क्या कहते हैं आपको वाटरप्रूफ कैमरास की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप या तो क्या बोलते हैं उसको कौन सा कैमरा होता है, अरे यार GoPro को कौन सा कैमरा कहते हैं, एक्शन कैमरा, अरे यार भूल रहे थे, खैर कोई बात नहीं, एक्शन कैमरा। तो अगर आपको वाटरप्रूफ चाहिए तो कोई एक्शन कैमरा ले लीजिए, एक्शन कैमरा बेस्ट रहेगा, सोनी का भी एक्शन कैमरा आता है 14,000 के आसपास में, एक सबसे सस्ता जो एक्शन कैमरा है सोनी का 14,000 के आसपास है। GoPro भी बढ़िया है, GoPro भी ले सकते हैं, GoPro Hero 6 ऐसे करके जो भी है। तो बेसिकली मेरा यही कंक्लूजन होगा कि अगर आपको जूम नहीं चाहिए तो Redmi Note 7 Pro या Realme 3 Pro पे जाइए, और अगर आपको जूम चाहिए तो कोई भी कॉम्पैक्ट कैमरा ले लीजिए, और अगर आपको वाटरप्रूफ चाहिए और साथ में 9,000 की कम रेंज में चाहिए अगर आपको वाटरप्रूफ कैमरा, तो आपको रिकमेंड करेंगे कि निकॉन कूलपिक्स का एक कैमरा आता है जो बच्चे की तरह दिखता है, मतलब बच्चे की तरह बच्चे वाला कैमरा कर लीजिए उसको, एकदम रंगीन रहता है वो। आप उसके वेबसाइट पर जाइएगा, हमको मॉडल नंबर किसी का याद नहीं भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन हम बता सकते हैं कि आपको उसके वेबसाइट पर मिल जाएगा, रंगीन होगा एकदम, क्या कहते हैं दो कैमरा होगा उसमें, एक का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा एक का थोड़ा कम होगा, दोनों का स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है लेकिन जो प्राइस जिसका ज़्यादा है वो नया है उसी का अगला वेरिएंट है, और उसमें 1080p सपोर्ट करता है और 14,000 की 11,000 के आसपास आता है, 11,000 हाँ 14,000 नहीं 11,000 के आसपास आता है, वो वाटरप्रूफ है। अगर आपको वाटरप्रूफ में सस्ता और बेहतर कैमरा चाहिए तो कूलपिक्स का एक और जो पुराना उसी का पुराना वेरिएंट है 11,000 से कम में, 6-7,000 का आता है वो ले लें, 1080p में रिकॉर्ड नहीं करेगा लेकिन वाटरप्रूफ है, 2x जूम है उसमें,
और डस्ट प्रूफ है, यही प्रूफ प्रूफ है, हार्डनेस है, जो भी है प्रूफ प्रूफ वाला बात से समझ गए होंगे। तो यही मेरा कैमरा का जो है सो रिकमेंडेशन था, आप इसी तरीके से कैमरा खरीद सकते हैं 14-20 हज़ार से कम में। अगर आपको बेहतर कैमरा चाहिए, क्वालिटी वाला कैमरा चाहिए, क्योंकि हमको खुद कैमरा चाहिए भाई, इसीलिए हम बहुत दिनों से लगातार हर एक कंपनी का लगभग हर एक मॉडल देख चुके हैं, उसको कंपेयर कर चुके हैं। सॉरी अगर हमको मॉडल नंबर याद नहीं है, लेकिन हम हर एक कैमरा को कंपेयर कर चुके हैं, इतने कैमराज को कंपेयर किए हम, सिर्फ ना ही उसका स्पेसिफिकेशन कंपेयर किए हैं। देखिए स्पेसिफिकेशन में तो Redmi Note 7 Pro भी जो है 4K रिकॉर्ड कर सकता है, और 14,000 का जो है सो निकॉन कूलपिक्स का एक कैमरा है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन क्वालिटी किसका अच्छा है हम ये बता रहे हैं। Redmi Note 7 Pro का क्वालिटी उससे बढ़िया है, क्योंकि हमको कैसे पता उसका क्वालिटी, हम कैसे चेक किए इतने सारे कैमरा, यूट्यूब पे वीडियोस देख के। जनरली लोग जो है सैंपल वीडियो डालते हैं अपने यूट्यूब पे, रॉ फाइल डालते हैं अपने किसी भी कैमरा का, तो वो रॉ फाइल आपको उस कैमरा का मिल जाएगा, उसको आप मोबाइल में देखिएगा तो आपको क्वालिटी उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि छोटा डिस्प्ले है। आप किसी बड़े से लैपटॉप 15 इंच 14 इंच के लैपटॉप को लीजिए और उसमें 1080p 4K जिस रेजोल्यूशन का कैमरा है उसमें प्ले करके देखिए वीडियो, आपको फर्क तुरंत नज़र आ जाएगा कि सेम प्राइस सेम स्पेसिफिकेशन वाला कैमरा में दो अलग क्वालिटी हो सकता है। तो यही बात है, बेसिकली बहुत सारा रिसर्च की, बहुत कुछ इस वीडियो में बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।